हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू पीटीएस कैड। दिस इज़ परमजीत सिंह। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने स्टार्ट की हुई आर के कैड के ऊपर कंप्लीट वीडियो सीरीज, जिसके अंदर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो रिगार्डिंग आर के कैड। आज की वीडियो हमारी इस सीरीज की फोर्थ वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा स्लैब एंड रूफ को कैसे डिजाइन किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो पास में बेल आइकन है उसे प्रेस करें, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। पहले हम देखेंगे स्लैब टूल के बारे में। स्लैब टूल को यूज़ करने के लिए पहले हम जाएंगे डिज़ाइन में, उसके अंदर हम देखेंगे स्लैब टूल का ऑप्शन। जैसे ही हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें इन्फो बॉक्स में काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देने लगेंगे, जिनकी हेल्प से हम स्लैब को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें दिखेगा सेटिंग डायलॉग बॉक्स। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमें काफ़ी सारी सेटिंग मिलेगी स्लैब के रिगार्डिंग। ये सारे सेटिंग के ऑप्शन हमें इन्फो बॉक्स में भी अवेलेबल है, तो हम वहीं से यूज़ करना सीखेंगे इसे। स्लैब टूल को यूज़ करने के लिए हमें थ्री मेथड दिए हुए हैं। फर्स्ट मेथड है हमारा पॉलीगोनल मेथड, सेकंड है रेक्टेंगुलर मेथड, थर्ड है थ्री पॉइंट रेक्टेंगुलर मेथड। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे पॉलीगोनल मेथड को। किसी भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की स्लैब को बिल्ड करने के लिए हम पॉलीगोनल मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दे रखा है जिसकी हमें स्लैब डिज़ाइन करनी है। इसकी स्लैब डिज़ाइन करने के लिए पहले हम जाएंगे पॉलीगोनल मेथड को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम इसकी जो स्ट्रक्चर है इसके आउटर पार्ट को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर हमें स्लैब बिल्ड करनी है। इसके लिए हम पहले यहाँ पर एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, देन दूसरा, जितने आउटर पार्ट के पॉइंट हम उन सबको सिलेक्ट करेंगे। तो हम देखेंगे अब 3D में जाकर हमारी जो स्लैब है वो बिल्ड हो चुकी है, बिल्कुल परफेक्टली हमारी स्लैब बिल्ड हो चुकी है। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड मेथड के बारे में, जो है रेक्टेंगुलर मेथड। इसे यूज़ करने के लिए हम इसे सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एक पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, देन हम सेकंड पॉइंट डिफाइन करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम 3D में जाके चेक करेंगे कि हमारी स्लैब रेडी हो चुकी है। उसके बाद है हमारे पास थर्ड पॉइंट, उसके बाद है हमारे पास थर्ड मेथड, जिसे यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, देन सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे एंड देन थर्ड पॉइंट, एंड हम चेक करेंगे 3D में जाकर हमारी जो स्लैब है वो रेडी हो चुकी है, इसलिए हम इसे थ्री पॉइंट मेथड कहते हैं। उसके बाद हम 2D में वापस जाएंगे अपने ग्राउंड फ्लोर पर। इसके बाद हमें ऑप्शन दिया हुआ है सर रेफरेंस प्लेन लोकेशन का। इसमें हमें दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, एक हमारे पास ऑप्शन होता है टॉप का, एक हमारे पास होता है बॉटम का। इसका बेसिकली यूज़ यही होता है कि जैसे ही हम स्लैब को डिज़ाइन करना चाहते हैं, स्लैब के प्लेन को रेफरेंस लेकर हम स्लैब को डिज़ाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 3D में चलते हैं। जैसे हम 3D में पहुंचे, पहले हम देखेंगे टॉप प्लेन को। जैसे हम टॉप प्लेन को सेलेक्ट करने के बाद रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करेंगे, तो पहले हम एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे देन दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। इसमें हमने देखा कि जो स्लैब का ऊपर वाला टॉप प्लेन है वो हमारी वॉल के टॉप प्लेन के साथ मैच कर रहा है। एंड इसके बाद अगर हम देखें बॉटम को, बॉटम प्लेन की हेल्प से अगर हमें डिज़ाइन को बिल्ड करना हो तो हम फर्स्ट पॉइंट लेंगे देन सेकंड पॉइंट लेंगे एंड हम एग्जैक्ट डिफरेंस देख सकते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। उसके बाद ऑप्शन है हमारे पास स्ट्रक्चर का। स्लैब में स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक बेसिक पार्ट एक सेकेंड है कंपोजिट पार्ट। बेसिक स्लैब में हम देखेंगे कि अगर हम स्लैब को बिल्ड कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर के अंदर ही बिल्ड होगी। अगर हम उसे ब्रिक वर्क में बिल्ड कर रहे हैं तो वो जस्ट एक ब्रिक वर्क होगी, एंड कंक्रीट में कर रहे हैं तो वो कंक्रीट होगी। एंड कंपोजिट में क्या होगा कि जैसे कि फर्स्ट में देख लें, कंक्रीट फ्लोर इंसुलेटेड विद 10 mm टाइल,
इसके अंदर क्या होता है कि दो या तीन प्रोडक्ट या जितने भी हम प्रोडक्ट ऐड करके एक वो स्लैब के अंदर उसे डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे उसके अंदर हम कंक्रीट की स्लैब होगी, उसके ऊपर इंसुलेशन होगा, उसके ऊपर टाइल का यूज़ होगा, इस सब को हम इंक्लूड करेंगे कंपोजिट स्लैब के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे लिंक स्टोरीज को। लिंक स्टोरी के अंदर हमें सिर्फ होम स्टोरी का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे हम किसी स्लैब को सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। इसकी हेल्प से हमें पता रहता है कि जो हम स्लैब को डिज़ाइन कर रहे हैं वो किस फ्लोर पर हो रही है। जैसे अभी फर्स्ट फ्लोर में है, जैसे मैं इसको ग्राउंड फ्लोर पे करूँगा तो वो स्लैब ग्राउंड फ्लोर पर चली जाएगी। अगर मैं उसे सेकंड फ्लोर पर करूँगा तो वो सेकंड फ्लोर पर चली जाएगी, एंड फर्स्ट फ्लोर पर करूँगा तो वो फर्स्ट फ्लोर पर ही बिल्ड होगी। तो हमें पहले ये डिफाइन करके रखना पड़ता है होम स्टोरी में कि हम जो भी स्लैब को डिज़ाइन करेंगे वो किस स्टोरी पर होगी, ये हमें प्री डिफाइन करना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है बॉटम एंड टॉप का। इसके अंदर हम स्लैब की थिकनेस को डिफाइन कर सकते हैं। अब मैंने डिफाइन किया हुआ है थिकनेस को 1 फीट। अगर हम इसको 4 फीट कर देते हैं तो ये हमारी स्लैब की थिकनेस 4 फीट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है स्लैब एज एंगल का। इसके अंदर हम स्लैब की एजेस को डिफाइन कर सकते हैं कि वो किस एंगल में रहेंगी। जैसे कि ये अभी वर्टिकल एंगल में है। अगर हम इसको ऑप्शन को ऑन करते हैं तो हम, जैसे कि हमने 60 डिग्री को डिफाइन किया, जैसे हम उसको एंटर करेंगे तो हमारी जो एजेस हैं सारी वो 60 डिग्री एंगल में चेंज हो जाएंगी। अगर हम उसे चेंज करते हैं 30 डिग्री में तो उसके एंगल सारे बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास सरफेसिस का ऑप्शन आता है, जिसके अंदर हम बिल्डिंग मटेरियल को डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो स्लैब है उसके अंदर क्या मटेरियल यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा क्लासिफिकेशन का, जिसके अंदर क्लासिफाइड है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो स्लैब है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा आइडिया एंड प्रॉपर्टीज़ का, जिसके अंदर इस स्लैब की रिगार्डिंग सारी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन किया गया है। जैसे आईडी होगी उसकी रेनोवेशन के लिए, जनरल रेटिंग्स होगी, इसके अंदर फायर रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में बता रखा है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर एनालाइज, वो सारा कुछ इसके अंदर आइडिया एंड प्रॉपर्टीज़ के अंदर। ये बेसिकली इस स्लैब की सारी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करेगा। ये था हमारा कंप्लीट ओवरव्यू रिगार्डिंग स्लैब। अब हम स्टार्ट करते हैं रूफ टूल के बारे में। पहले हम जाते हैं ग्राउंड फ्लोर में। उसके बाद जाकर हम सेलेक्ट करेंगे रूफ टूल को। जैसे हम रूफ टूल के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें इन्फो बॉक्स में ये सारे ऑप्शन दिखाई देने लगेंगे, जिनकी हेल्प से हम रूफ़ को कस्टमाइज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है सेटिंग डायलॉग का। जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो हमें रूफ़ की सारी सेटिंग यहाँ पर शो होने लगेंगी। रूफ़ को डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास दो मेथड अवेलेबल है। फर्स्ट है सिंगल प्लेन मेथड, दूसरा है हमारे पास मल्टीप्लेन मेथड। जैसे हम सिंगल प्लेन मेथड को ऑन करेंगे हमारे पास आगे 3 ऑप्शन है इसे कंस्ट्रक्ट करने के। फर्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स रूफ के लिए, दूसरा हमारा है रेक्टेंगुलर मेथड, तीसरा हमारा है 3-point rectangular मेथड। प्लेन को यूज़ करने के लिए पहले हम रेफरेंस लाइन बनाएंगे, देन हम डिसाइड करेंगे कि हमारा एंगल किस साइड होना चाहिए, एंड देन हम उसको बिल्ड करेंगे अपने अकॉर्डिंग। एंड हम जाकर 3D में देखेंगे कि हमारी जो रूफ है वो रेडी हो चुकी है। देन हम यूज़ करेंगे सेकेंड मेथड, जिसकी हेल्प से हम मल्टीपल रूफ को डिज़ाइन कर सकते हैं एक साथ ही। उसके लिए हम पहले 1 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, देन दूसरा पॉइंट, जैसे जैसे जो हमारा रूफ की शेप है उसके अकॉर्डिंग हम इसे सेलेक्ट करते रहेंगे, एंड लास्ट हम लास्ट पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। देन हम 3D में जाकर चेक करेंगे तो हम देखेंगे हमारा रूफ बिल्ड हो चुका है। ये हमारे पास सारे मेथड अवेलेबल हैं इसे बिल्ड करने के। इसे सेकेंड कंस्ट्रक्शन मेथड यूज़ करें तो हम पहले 1 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, देन दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो हमारी रूफ बिल्ड हो चुकी है। अगर हम थर्ड मेथड को चेक करें, उसमें हम पहला पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, देन दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, देन तीसरा पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, हमारा ये रूफ बिल्ड हो चुका है। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर को। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, इसके अंदर हमें 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, बेसिक एंड कंपोजिट। इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ पहले। उसके बाद हमारे पास लिंक स्टोरी का ऑप्शन आ जाता है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है रूफ पिवट हाइट एंड पिच का। इसको जानने के लिए पहले मैं एक रूफ को सिलेक्ट करूंगा, देन उसके बाद हम देखेंगे इसको।
रूफ पिवट हाइट एंड पिच को। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी रूफ पिच क्या होती है। इस एंगल को, इस हाइट को हम पिच कहते हैं। अगर इसको मैं चेंज कर देता हूँ 25 में, तो हम देखेंगे कि जिसकी जो एंगल है रूफ का पिच है वो चेंज हो चुकी है। एंड अगर इसको मैं दोबारा से चेंज करता हूँ 65 में, तो हम देखेंगे कि इसका जो एंगल है वो चेंज हो चुका है, रूफ का पिच वो है चेंज हो चुकी है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है थिकनेस का। इससे हम रूफ की जो थिकनेस है उसे चेंज कर सकते हैं। अभी 2.4 फीट दे रखी है हमें, इसको हम चेंज करके 5-6 फीट कर देते हैं, तो हम देखेंगे जो हमारी रूफ की थिकनेस है वो चेंज हो चुकी है। अगर इसको हम दोबारा चेंज करके 2 कर देते हैं, तो हम देखेंगे हमारी जो थिकनेस है वो कंप्लीट चेंज हो चुकी है। इसके बाद आता है ईव्स ओवरहैंग। ये हमें रूफ की ओवरहैंग को डिसाइड करने के लिए ऑप्शन होता है कि जो हमारा आउटर पार्ट होगा रूफ का वो कितना होगा। कवर फिल को देखने के लिए हम जाएंगे ग्राउंड फ्लोर में। जैसे मैंने चेंज किया ग्राउंड फ्लोर में, तो हमें आप ऑप्शन देखोगे जहाँ पर ये दिखाई दे रहा है सारा, तो ये सारा हमें कवर फिल में दिखाई देगा। अगर हम इसको चेंज करके किसी और में चेंज कर देते हैं, तो ये हमारा यहाँ पर चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं 3D में। 3D में इस रूफ को सिलेक्ट करेंगे हम। देन उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है रूफ एज एंगल के अंदर हम देखेंगे। अगर हमें ये एजेस इसके चेंज करने हैं, तो हम इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसको सेकंड मेथड में यूज़ करें, पहले फर्स्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं स्लैब को, देन हम इसको अगर इसको चेंज करेंगे, तो आप देखोगे हमें ये हमारी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो चुकी है। अगर हम इसे प्री डिफाइंड एंगल में करना है, अगर हम इसको 70 में चेंज करना है, तो हम इसको यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है सरफेसिस का। सरफेसिस में हम देखेंगे ओवरराइड करेंगे कौन कौन सा मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के लिए हम पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन हम इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और भी हमारे पास काफ़ी ऑप्शन है, तो हम इसको उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं सरफेसिस को। उसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन का ऑप्शन आता है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। इसके अंदर हमारा डिफाइन होता है कि जो जिस पर हम काम कर रहे हैं, जो हमारी स्लैब है या रूफ है, वो हमारा स्ट्रक्चर डिफाइन होता है। तो ये हमारा रूफ है, तो ये ऑलरेडी डिफाइन है रूफ के अंदर। तो जो हमारी इसकी रूफ की हमने प्रॉपर्टीज डिफाइन की हुई हैं, वो सारी इसके ऊपर एप्लीकेबल होंगी। उसके बाद हमारी आइडिया एंड प्रॉपर्टीज के अंदर हमें इस रूफ की सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया हुआ है। तो ये था हमारा जस्ट सिंपल ओवरव्यू रिगार्डिंग रूफ। आज की वीडियो में हमने जाना रूफ टूल के बारे में, स्लैब टूल के बारे में, उनके यूजेस के बारे में, उन्हें कैसे डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट किए जाए उसके बारे में जाना। इसके अलावा हमने जाना कि रूफ एंड स्लैब को कैसे कस्टमाइज किया जाता है अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे, तो मेक श्योर इसे लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।